जब आपने बोलना होता है कि मैं ये करे बिना नहीं रह सकता, तब हम वहां पे फ्रेज यूज करते हैं आई कांट हेल्प। आइए सीखते हैं इस फ्रेज को यूज कैसे करना है हमने वाक्यों में। मैं आगामी यात्रा को लेकर उत्साहित हुए बिना नहीं रह सकता। आई कांट हेल्प बट फील एक्साइटेड अबाउट द अपकमिंग ट्रिप। मैं उस मजेदार वीडियो को देखकर हंसे बिना नहीं रह सकता। आई कांट हेल्प बट लाफ एट दैट फनी वीडियो। मैं अपने काम के प्रति उसके समर्पण की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकता। आई कांट हेल्प बट एडमायर हर डेडिकेशन टू हर वर्क। मैं सुंदर सूर्यास्त को देखे बिना नहीं रह सकता। आई कांट हेल्प बट नोटिस द ब्यूटिफुल सनसेट। मैं मदद नहीं कर सकता लेकिन आश्चर्य करता हूँ कि भविष्य में क्या होगा। आई कांट हेल्प बट वंडर व्हाट द फ्यूचर होल्ड्स। मैं आपकी स्थिति से सहानुभूति प्रकट किए बिना नहीं रह सकता। आई कांट हेल्प बट सिंपैथाइज विद योर सिचुएशन। मैं उसकी कलात्मक प्रतिभा से आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सकता। आई कांट हेल्प बट बी अमेज्ड बाय हिज आर्टिस्टिक टैलेंट। मैं अपनी टीम की उपलब्धियों पर गर्व महसूस किए बिना नहीं रह सकता। आई कांट हेल्प बट फील अ सेंस ऑफ प्राइड इन आवर टीम्स अकम्पलिशमेंट्स। मैं आपकी प्रगति से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। आई कांट हेल्प बट बी इम्प्रेस्ड बाय द प्रोग्रेस यू हैव मेड। मैं हाल के घटनाक्रमों के बारे में चिंतित हुए बिना नहीं रह सकता। I can't help but be concerned about the recent developments. Now it's your turn to answer. मैं उनके करिश्माई व्यक्तित्व की ओर आकर्षित हुए बिना नहीं रह सकता। If you like this video, could you please hit the like button and subscribe my channel? And please don't forget to press the notification button. I'll see you in the next video. Bye for now. Thanks for watching.